अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया में क्यों कोई गेमिंग बिजनेस नहीं है, इंडिया का गेमिंग इतना ज़्यादा डाउन क्यों है, जबकि अदर कंट्रीज में 34 मिलियन डॉलर्स का प्राइस पूल है डोटा का, एंड बड़े बड़े चैम्पियनशिप्स हो रहे हैं, उनके गेम खेलने वाले को एज अ एथलीट ट्रीट किया जाता है, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो इतना गेम खेलते हैं, वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, एंड इस तरह की चीज़ें होती है, तो इंडिया में वो सारी चीज़ क्यों नहीं है और इंडिया में ये सारा बिजनेस क्यों नहीं है। हेलो, हियर इज़ आमक्षत सोनी एंड वेलकम टू वेला गेमिंग। वेला गेमिंग इज़ बेसिकली एन इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। वी आर ट्राइंग सो हार्ड टू मेक इंडियन गेमिंग बेटर और वैल्यू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड कर सके। अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्कॉर्ड की, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप देख पाएँ ऐसी और भी वीडियोज़ अबाउट गेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा इज दे पुट अ लॉट ऑफ टैक्स ऑन एवरी सिंगल गेमिंग सप्लाई। हर चीज़ पर, हर गेमिंग स्टफ पे बहुत सारा टैक्स है। तो आप बोलेंगे कि यार इट्स नॉट कि टैक्स है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंडस्ट्री नहीं होगी, ऐसा वैसा नहीं होता। बट आई विल से एज अ कस्टमर, एज ऑलवेज अगर आप एक देखें तो इंडिया में मोस्ट पीपल आर मिडिल क्लास। ओके, सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक 80,000 का VR या फिर 80,000 का एक गेमिंग PC क्रिएट करेंगे जस्ट टू प्ले गेम्स। सो दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट कि हर चीज़ पे इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, हर चीज़ को इतना ज़्यादा दबाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर ये इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी। हर चीज़ पर इतना टैक्स है, उतना तो कंपनी भी महंगा नहीं दे रही है जितना इंडिया में वो चीज़ महंगी मिल रही है। सो दिस इज़ द बेसिकली थिंग, अगर सप्लाईज इतनी महंगी होगी, अगर ग्राफिक कार्ड इतना महंगा होगा, तो इंडिया के लोग कैसे उस चीज़ को परचेज कर पाएंगे और कैसे गेमिंग को आगे बढ़ावा दे पाएंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो इंडिया की जो गेमिंग इंडस्ट्री का कॉस्ट है वो है 1 करोड़ रुपीज़, और ग्लोबल जो है वो है 150 बिलियन डॉलर्स, जो कि वर्ल्ड वाइड है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बट स्टिल इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दबा के रखा है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच आई बिलीव कि इतना ज़्यादा टैक्स हर चीज़ पर देना होगा तो कैसे कोई इतना परसीव करेगा अपने आप को। नंबर सेकेंड इज़ द लैक ऑफ एजुकेशन। किसी भी कॉलेज में इंडिया में पहली बात तो है कि गेमिंग एंड गेम आर्ट ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कॉलेज हैं वो बहुत कम हैं। मतलब आपको अगर ये चीज़ ढूंढना है कि इंडिया में कोई गेमिंग कॉलेजेस है तो आपको चेक करना पड़ेगा, और आपको कुछ नाम मिलेंगे 3 या 4, उसमें से कुछ लोग आपको डिप्लोमा देकर, कुछ स्कैम्स होंगे जो सिर्फ आपको ऐसा बोलेंगे कि हम आपको ये बताएंगे, वो बनाएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, और उनका जो है डिप्लोमा वगैरह चीज़ें जो होती है, कोर्सेज होती है, उनमें कुछ आपको सीखने को एक्चुअली मिलेगा नहीं। तो थिंग ये है कि इसे एजुकेशन में कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है वो सारी चीज़ें। अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो जो गेमिंग है उससे बहुत ही मोस्टली एजुकेशन पर्पज़ में, इंडस्ट्री पर्पज़ में, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ में, इवन ड्राइविंग के लिए गेम्स आते हैं, सिमुलेशंस आते हैं जिससे आप कार चलाना सीख सकें। VR में आपका रियल स्टेट होता है, वहाँ पर VR यूज़ किया जाता है जस्ट टू रिप्रेजेंट के क्लाइंट को कि कैसा उसका इंटीरियर और स्ट्रक्चर होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज़ द बिगेस्ट इज़ द माइंडसेट। इंडिया में हमेशा ही गेमिंग को, गेमिंग के बिजनेस को, वो सारी चीज़ों को बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर रखा गया है। इंडिया में क्रिएटिविटी में जाना, क्रिएटिव फील्ड में जाना इज़ ऑलवेज रॉन्ग। मतलब लोगों के सामने ऐसा रहता है कि आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को भी तो ऐसा लगेगा कि क्रिएटिव फील्ड इज़ नॉट समथिंग यू शुड गो फॉर IIT और CA या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया कर रही है, जस्ट गो एंड जॉइन द शीप। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मोस्टली इंडिया के गेमिंग बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाउन करती हैं। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा टॉपिक, जो कि है लैक ऑफ सपोर्ट, जो कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बोला था। हमारी पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि लैक ऑफ सपोर्ट, अगर इंडिया के गेम्स को, इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को, क्या आपने रोग हाइस, क्या आपने राजी एंड एंशिएंट एपिक के बारे में, क्या आपने असुरा के बारे में, या फिर स्मैश एंड सर्वाइव के बारे में, या फिर देसी अड्डा गेम के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इवन अगर वो लोग छोटे गेम्स बना रहे हैं, अगर वो एक हाइपर कैजुअल गेम्स बना रहे हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना आप लोगों को चाहिए, क्योंकि अगर आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो अभी छोटे गेम्स बना रहे हैं, तो हाउ दे विल मेक बिग गेम्स इन फ्यूचर। सो ये था एक सिंपल सा वीडियो, एंड ऑलवेज
अगर आपने कोई भी इन जो मैंने आपको गेम्स बताया इनमें से गेम खेला है तो ज़रूर उसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल बी हैप्पी टू सी कि आप लोगों को कैसा वो गेम लगा है, उसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑलवेज टर्न ऑन रखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल का, क्योंकि अब से हम कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी एंड अच्छा लगा होगा हमारा एफर्ट जो आपको बताने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग लगा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।